हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों देखो मैं आज कहाँ पर हूँ, और मैंने आपको जैसे पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आपको एक बहुत अच्छा व्लॉग लेके आने वाला हूँ, बहुत ही ऐतिहासिक जगह दिखाने वाला हूँ, तो आप व्लॉग में बने रहना। मैं वहीं पर जा रहा हूँ और अभी शाम का टाइम है, शाम के बज रहे 4:30, और यहाँ बन गया है पानी का मौसम, ये देखिए। लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ उधर आपको दिखाने के लिए, तो आप व्लॉग में बने रहना। बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है ये, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो जो मैं जगह आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐतिहासिक है। तो व्लॉग में आप बने रहना सभी लोग। पहुंच चुका हूँ मंदिर की तरफ, सामने ही मेरे मंदिर है, ये देख सकते हैं आप, वो जो दिख रहा है आपको वो मंदिर है। तो वहाँ चलते हैं और दर्शन करते हैं, और उसकी काफ़ी रोचक बातें मैं आपको बताऊंगा अभी। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही भीड़ चल रही है, अभी सावन का महीना चल रहा है ना, इस वजह से शिव जी का मंदिर है ये, जो कि मैं आपको भी आगे बताऊँगा। और बहुत ही प्यारा मंदिर है, इसकी प्राचीन ऐतिहासिक चीज़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो आप बने रहिए व्लॉग में, ये देखिए शिव मंदिर भोजपुर। तो अभी मैं मंदिर की तरफ चढ़ रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्दी भी बहुत है। वैसे तो यहाँ नॉर्मल डे में कोई नहीं रहता है, यहाँ पे फ्री रहते हैं सब, खाली रहता है, लेकिन आज के सोमवार है और श्रावण भी है, उस वजह से यहाँ बहुत भीड़ चल रही है अभी। तो बस मंदिर पहुँचने में ही है, मैं आपको मंदिर पहुँच के मंदिर दिखाता हूँ। दोस्तों ये वो मंदिर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए वो जो अभी उधर साइड दिख रहा है वो मंदिर है। और यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा है, ये देखिए पूरा मौसम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों ये है शिव मंदिर भोजपुर, 11वीं शताब्दी के राष्ट्रीय स्मारक पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये रहा वो मंदिर, ये आप देख सकते हैं इस साइड बहुत सारे लोग खड़े हैं बाहर, ये देखिए। और फिलहाल मैं अभी चल रहा हूँ उधर, और आपको दिखाता हूँ वो मंदिर के बारे में, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, देखिए बहुत भीड़ चल रही है अभी। तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ हैं मंदिर में जाने की, और सामने ही मंदिर है, ये देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ मंदिर। अभी तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और ये आ गया मंदिर। दोस्तों भीड़ देखिए आप, सिर्फ भीड़ देखिए, कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितने लोग हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी, और इसके पहले भी हम आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन नॉर्मल डे में यहाँ पे कोई नहीं रहता है, लेकिन श्रावण के वजह से होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वो जो देख रहे हो ना, वो मेन मंदिर है, और ये जो आगे देख रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी शिवलिंग है और नंदी भगवान है। तो मैं अभी मंदिर जाके आपको मंदिर के अंदर का दिखाऊंगा। सबसे बड़ी पिंड है दोस्तों यहाँ पे, पूरे इंडिया में सबसे बड़ी शिवलिंग है यहाँ पे, और मंदिर बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। पहले आपको मैं मंदिर के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी चीज़ बताऊँगा, एक ऐतिहासिक चीज़। दोस्तों ऐसा शिवलिंग आपने पहले कभी कहीं देखा है, शिव मंदिर, ऐसा शिव मंदिर आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। अब आप बोल रहे हो कि इस शिव मंदिर में ऐसी क्या खासियत है जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ अभी इसकी क्या खासियत है। तो दोस्तों आपको वो शिवलिंग दिख रही है, मैं मंदिर से भी बहुत दूर खड़ा हूँ, देखो मैं आपको शिवलिंग दिखाता हूँ। और देखो वो जो शिवलिंग दिख रही है ना आपको, ये वाली मेरी उंगली देखिए, फिंगर, ये है शिवलिंग। दोस्तों बहुत ऊँची शिवलिंग है, और बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। महादेव
तो दोस्तों ये शिवलिंग है, ये देखिए ये शिवलिंग है और बहुत बड़ा शिवलिंग है दोस्तों। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा शिवलिंग है ये भोपाल में भोजपुर, आपने नाम सुना होगा भोजपुर शिव मंदिर, सबसे बड़ा शिवलिंग है। मैंने आपको अभी फ्रंट से दिखाया था क्योंकि वहाँ पे पुलिस वगैरह सिक्योरिटी के लिए खड़े, इस वजह से वहाँ पे पूरा शूट नहीं कर पा रहे। तो अभी हम मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं पूरा राउंड में, और सबसे बड़ा शिवलिंग है दोस्तों ये देखिए सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो मैं आपको और फ्रंट से दिखाता हूँ और शूट करने की कोशिश करता हूँ, फिर मंदिर के बाहर जाके मैं आपको इसके पूरे व्यू दिखाऊंगा और इस मंदिर के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या ऐतिहासिक चीज़ है इसके बारे में, क्यों ये इतना महाभारत काल से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मिलते हैं दर्शन करने के बाद। ये देखिए दोस्तों मंदिर, देखिए अंदर से कितने बड़े बड़े पिल्लर है, ये देखिए, और इसकी डिज़ाइन देखिए दोस्तों कैसे बने हैं ये। यहाँ पर सब ये भगवान है और ये बीच में सेंटर में ये शिवलिंग है, इतना बड़ा शिवलिंग है। इसे पूरा मेरे शूट में भी नहीं आ पा रहा है, इसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा।